जब से दिखा है जगन्नाथ धाम का आकाश लाल, तब से विश्व को भयभीत कर रहा है परमाणु आक्रमण। क्या ये संयोग है या पूर्व निर्धारित कलयुग के अंत का लीला? आप पूर्व में हो या पश्चिम में, अमीर हो या गरीब, जमीन के नीचे हो या ऊपर, परमाणु विनाश के चिंगारी से बच नहीं पाओगे, क्योंकि पंच सखाओं ने 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में दावे के साथ कहा था कि रूस परमाणु हमला निश्चित करेगा। कहीं ये घटना 2023 में तो नहीं होने वाला? जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। 16 मई 2023 की शाम जगन्नाथ धाम का पश्चिमी आकाश लाल रंग का दिखा था, परंतु मैं आश्चर्य तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि केवल पूरी धाम में ही नहीं बल्कि भारत के अनेकों राज्यों में शाम के समय पश्चिमी आकाश लाल रंग के साथ रंगीन भी दिखा था भिन्न भिन्न दिनों पे। अध्याय 744 में मैंने भविष्य मालिका से डिकोड करके क्या कहा था, क्या आपको स्मरण है? पृथ्वी दिशिबो रंगीमो आकार जानिबो किछि दिन मध्ये होइबो संघार, अर्थ जब पृथ्वी दिखेगा रंगीन तब कुछ ही दिनों के अंदर होगा संघार यानी असंख्य मृत्यु। इस पंक्ति को याद रखिएगा। अब भविष्य मालिका के और एक ग्रंथ गरुड़ गीता में स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, झंटिका बोलिन एक वर्ण पोक आसिव शून्य रूढ़ी आकाश सिंदूर वर्ण दिशिव लोकोरे पड़ी बहुरी, अर्थ टिड्डियों की प्रजाति शून्य से उड़कर भारत में प्रवेश होंगे एवं उसी समय पे आकाश सिंदूर की तरह लाल दिखाई देगा जिसके कारण मनुष्य चिंतित हो पड़ेगा। वर्ष 2020 भारत के अनेकों राज्यों में टिड्डी यानी लोकस्ट अटैक हुए थे जिसके कारण अनेकों फसल बड़े संख्या में नष्ट हो गए थे। उसी वर्ष के अंत में जगन्नाथ धाम का आकाश लाल रंग का दृश्यमान हुआ था। इन दोनों घटनाओं के पश्चात वर्ष 2021 में भारत के अंदर कोविड महामारी का आरंभ हो गया था यानी मृत्यु का तांडव। वर्तमान 2023 में आकाश सिंदूर की तरह लाल तो दिखाई दे चुका है, परंतु भारत के अंदर अभी तक टिड्डियों ने हमला नहीं किया है। ये टिड्डियां भारत में आखिर क्यों आते हैं? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं, जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य। जब भारत में बेमौसम बारिश होती है एवं समान समय पे पश्चिमी वायु बहती है, तब ये टिड्डियों का झुंड पाकिस्तान से भारत में आ जाते हैं एवं राजस्थान के रेगिस्तान में करोड़ों की संख्या में अंडे देकर चले जाते हैं। जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें खाद्य की आवश्यकता पड़ती है। राजस्थान में तो इतने पेड़ पौधे खेती बाड़ी नहीं होती, इसी कारण वे भारत के अन्य राज्यों में प्रवेश होकर खेती बाड़ी पेड़ पौधे सब खा जाते हैं। वर्तमान 2023 में राजस्थान एवं आसाम में बेमौसम भारी बारिश के कारण बाढ़ हुई है एवं पश्चिमी वायु भी बह रहा है। अपेक्षा है तो केवल टिड्डी महाराज का। यदि 2023 में पुनर्वार टिड्डी महाराज अपने फौज के साथ भारत पर आक्रमण करते हैं तो समझ लेना मेरे प्रिय भक्तगण कि संसार में बड़ा संघार होने वाला है। कहीं ये संघार रूस के परमाणु आक्रमण से तो नहीं होगा? आप जानकर चिंतित हो पड़ेंगे कि 2023 मई महीने से ही रूस ने दुनिया के 70 लोकेशंस में अपनी ताकतवर न्यूक्लियर पनडुब्बियों को तैनात किया है। एक एक पनडुब्बी इतना शक्तिशाली है कि न्यूयॉर्क लंदन जैसे बड़े बड़े शहरों को मात्र कुछ ही मिनटों में पूर्णतः समाप्त कर सकता है। मई महीने से पूर्व नाटो एवं यूएसए बार बार कह रहे थे कि रशिया कभी भी परमाणु आक्रमण नहीं करेगा, परंतु परिस्थिति बदलने में अधिक समय नहीं लगता। आज वही नाटो एवं यूएसए आपातकालीन बैठक कर रहे हैं, रिपोर्ट्स एडवाइजरी प्रकाशित कर रहे हैं, बार बार मीडिया को कह रहे हैं कि देखिए अब रूस परमाणु आक्रमण करने वाला है, हमें प्रस्तुत होना पड़ेगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? बाकी आप स्वयं विचार कीजिएगा। आपने पोसाइडन नामक एक घातक अत्याधुनिक हथियार के बारे में सुना तो होगा, क्या आप बता सकते हैं कि यह हथियार किस देश का है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि माँ सुभद्रा जी के
रथ का नाम क्या है? सही उत्तर है दर्पदौड़ना। विजेता का नाम है निर्मला मिश्रा। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।